हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर सहेलियाँ। मैं दीपा गजर आज आपको दूंगी किचन टिप्स कुकिंग के लिए। जी हाँ, मज़ेदार खाना बनाने के लिए हाथों का जादू तो होता ही है, पर साथ में जादू होता है वो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स का जो हम डिश बनाते वक्त उसमें डालते हैं। तो आज मैं आपको बोलूँगी ऐसे कुछ मैजिकल इंग्रेडिएंट्स अलग अलग 6 डिश के लिए, जिससे आपकी डिश भी हो जाएगी सुपर 6। तो सबसे पहले बात करते हैं राजमा की। तो राजमा बनाते वक्त ग्रेवी में अगर हम तज यानी कि सिनामन पाउडर थोड़ा और थोड़े पुदीने के पत्ते हाथ से काट के डाल दें तो ग्रेवी बहुत ही बढ़िया लगती है, टेस्टी लगती है। ट्राई कीजिए, बड़े मज़ेदार बनेंगे आपके राजमे, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। प्लीज़ ट्राई। और अब बात करते हैं हम छोले की। तो जी हाँ, छोले बनाते वक्त अगर हम छोले बॉईल करने के बाद उसमें से हमें थोड़े छोले ऐसे स्मैश करने हैं, फिर उसमें डालना है जीरा पाउडर, अनारदाना पाउडर, थोड़ा छोले का जो मसाला है वो, और गरम गरम एक चम्मच घी। और वो छोले फिर हमें जो ग्रेवी में डाल के फिर अच्छे से वो पका ले सब साथ में छोले, तो टेस्टी लगते हैं ये छोले। आप ये ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और कढ़ी की अब बात करते हैं। तो कढ़ी बनाते वक्त अगर हम सूखी जो धनिया होता है उसका पाउडर डाल दें और साथ में थोड़ा कोकोनट मिल्क डाल दें, और कोकोनट मिल्क डालने के साथ हमें कढ़ी को कांस्टेंट हिलाते रहना है, तो इससे आपकी कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी कढ़ी बनेगी। और हाँ, पकौड़ा कढ़ी बनाए तो उसमें भी आप ये ट्राई कर सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। अब हम बात करते हैं गुजराती दाल की। तो गुजराती दाल बनाते वक्त अगर हम साथ में थोड़ा खारे का पाउडर यानी कि जो ड्राई डेट्स आते हैं उसका पाउडर, और थोड़ा उसमें साथ में मेथी का अचार का जो मसाला आता है ड्राई वाला जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो थोड़ा डाल दें, तो उससे हमारी दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ट्राई कीजिए, आपकी दाल लोग पूछेंगे कैसे बनाई कैसे बनाई। और अब बात करते हैं पूरनपोली की। तो पूरनपोली तो हर महाराष्ट्रियन और गुजराती घरों में बनती ही है। तो साथ में अगर हम डालते हैं उसमें खसखस को कोकोनट पाउडर डालते हैं, उसमें इलायची पाउडर डालते हैं, और साथ में अगर हम थोड़ा नटमेग यानी कि जायफल का पाउडर डाल दें तो आपकी पूरनपोली और टेस्टी लगेगी। और केसर तो हम डालते ही हैं, तो नटमेग यानी कि जायफल का पाउडर डालने से खाने के बाद जो हमें 15-20 मिनट की नैप चाहिए वो आप आसानी से अच्छे से कर लोगे। और अब बात करते हैं खीर की। तो खीर में हम ड्राई फ्रूट्स, केसर वो सब तो डालते ही डालते हैं, पर साथ में थोड़ा वैनिला एसेंस डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आएगा, और लोग ज़रूर पूछेंगे कि भाई इसमें क्या डाला है ऐसा जिससे खीर इतनी टेस्टी लगती है। वैनिला अगर एसेंस ना चाहो तो वैनिला पोड जो अवेलेबल होती है मार्केट में वो थोड़ी ऐसे अंदर खिला दो। आपको मेरी ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक अवर चैनल सुपर सहेलियाँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल सुपर सहेलियाँ। थैंक यू।